हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आरके शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंस का जो हमारा अगला वीडियो का जो पार्ट है लेकर के आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मींस वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, मतलब ऐसा काल जिसमें क्रिया का कुछ भाग जो होता है कंप्लीट हो जाता है और कुछ भाग जो है कंटिन्यू चलता रहता है। तो देखें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस प्रकार से इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो से वर्ड है ये समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब समय के साथ रहा है। यदि आपको ऐसे वाक्य देखने को मिले जिनमें समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि वाक्यांश यदि आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यांश आते हैं तो एक ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिया जाता है तथा इनके अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो से वर्ड इसमें आ रहा है उस से वर्ड के लिए हम दो वर्ड का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर का। यदि वाक्य में कोई निश्चित समय दे रखा है, पॉइंट टाइम दे रखा है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और यदि कोई अवधि का समय दे रखा है, पीरियड टाइम दे रखा है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और देन अदर वर्ड्स। आपके सेंटेंस जो रहेंगे उस प्रकार रहेंगे, सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मैं दो दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं दो दिनों से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching for 2 days. I have been teaching for 2 days. मैं दो दिनों से पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसका नेगेटिव वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब have or has, then not, then been, then वर्ब की आईएनजी फॉर्म, then ऑब्जेक्ट, then since and for and then other word। जैसे वह दो दिनों से नहीं सो रहा है, वह दो दिनों से नहीं सो रहा है, he has not been sleeping for 2 days, he has not been sleeping for 2 days, means वह दो दिनों से नहीं सो रहा है। नेक्स्ट, आप कई दिनों से नहीं आ रहे हो, आप कई दिनों से नहीं आ रहे हो, यू हैव नॉट बीन कमिंग फॉर मेनी डेज, यू हैव नॉट बीन कमिंग फॉर मेनी डेज। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे। नेक्स्ट इंटरगेटिव, इंटरगेटिव के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर एंड देन अदर वर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आप जुलाई से स्कूल जा रहे हो, क्या आप जुलाई से स्कूल जा रहे हो, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, क्या आप जुलाई से स्कूल जा रहे हो, क्या वह 5 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह
5 o'clock? Has he been studying since 5 o'clock? Next question word is ki jo aayenge wo is tarah se banenge. Sabse pehle question word aayega, then helping verb have or has, then subject, then verb ing, then object, then since and for, then other word, and last में question mark. Like आपके sentence क्या रहेगा? आप 2011 से कहाँ रह रहे हो? आप 2011 से कहाँ रह रहे हो? Where have you been living? Where have you been living since 2011? Where have you been living since 2011? बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? Why has the child been crying since morning? Why has the child been crying since morning? इस प्रकार से आपका इसके जो सेंटेंस होंगे वो इस प्रकार से बनेंगे. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.